हेलो गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि पल्सर 150 में जो स्टार्ट नहीं हो रहा है गाड़ी, नया गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इसका जो फ्यूज़ रहता है बैटरी के इधर, ये कवर अप को खोलना पड़ेगा। कवर को खोल के इधर एक दो फ्यूज़ रहता है, इधर दो फ्यूज़ को आपको चेक करना पड़ेगा कि कटा तो नहीं। फ्यूज़ कटेगा तो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। मेरा गाड़ी का फ्यूज़ कट गया था, मैं इसको 10 एम्पेयर का दो 10 एम्पेयर का एक 15 एम्पेयर का एक फ्यूज़ रहता है इधर, स्पेयर फ्यूज़ भी है साइड में। आप इसको पहले खोलना पड़ेगा, खोल के फ्यूज़ को चेंज करके अब नया फ्यूज़ उधर डालना पड़ेगा। इधर मैं खोल चुका हूँ ये वाला फ्यूज़। खोल चुका है शायद, खोल जा। बहुत नया ना, इसलिए बहुत टाइट रहता है फ्यूज़। इसको हम खोलेंगे अभी। अच्छा, खोल के लगा दिया। अभी लाइट आ गया क्लस्टर में, चाबी ओपन भी कर हो रहा है, ठीक काम कर रहा है। स्टार्ट करके देखना पड़ेगा इसको। इसको फ्यूज़ अभी लगा देते हैं हम। कोई भी पल्सर का, मतलब नया BS4 पल्सर का चेंज कर सकते हैं फ्यूज़ 10 एम्पेयर का। ये काटने से आपका गाड़ी का लाइट नहीं आएगा। देखिए अभी लाइट नहीं आ रहा है। तो इस तरह का वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी जानकारी के लिए कमेंट कीजिए। और मेरा नंबर भी वीडियो में डाला हुआ है, उधर से मेरे को फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। गाड़ी का कोई भी गाड़ी, बाइक या फोर व्हीलर का जानकारी के लिए मेरे को फॉलो कर सकते हैं आप। थैंक यू। आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना।